हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और आज जो है सैटरडे है, हमें आज छुट्टी थी स्कूल से। तो हैदर जो है अभी नहीं उठा हमें, और फरिया भी सिर्फ अभी उठे हैं। बाकी जो अभी आज भी जो है कॉलेज गई हैं, उनका आज भी पेपर था। बाकी छत पर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि कबूतरी ने दूसरा अंडा दिया है या नहीं। पुष्पा तू नीचे टूडो, कुछ पेड़ मार दे, चले आओ चले आओ चले आओ वापस। तूने नया काम सीख लिया, चल चल चल। ये बड़ा तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया ये। और कबूतर तो खोल दिए होंगे अंकल ने। बाकी कल बहुत से कमेंट आए थे कि अंकल आपके क्या लगते हैं। ये अंकल जो है बहुत पहले से हमारे साथ हैं, जब हमारे दादा वो भी थे और तकरीबन जो अभी के बचपन से 16-17 ईयर से हमारे साथ ही हैं। तो कबूतर देखते हैं खुले हुए हैं सारे या बंद है। सीधा तो कोई नहीं है, वो बैठे हैं सारे। रात को जो है ना मैंने उधर से डोली उठा के इधर रख दी थी। नहीं, एक ही अंडा पड़ा है। ये क्या पता इसने दरवाजे के पीछे दे दिए। नहीं है फिर, इसने अभी दिया ही नहीं अंडा। देखते हैं क्या होता है आगे। अंडा नहीं दिया उसने, है ना दूसरा। कांडे लगा दिए बस, ठीक है, क्योंकि लोग इधर से बड़े गुजर रहे थे उस तरफ। अंकल ने जो है इस जगह पे कांटे लगा दिए क्योंकि उधर से जो है ना लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, और उधर से जो है ना हमारी सारी घास जो है ना ख़राब होना शुरू होगी। इस वजह से जो है हमने उधर कांटे लगा दिए ताकि उधर से लोग जो है ना गुजर सकें। बाकी अब चलते हैं नीचे, कबूतर तो वो सारे उधर बैठे हैं। अंडा तो उसने दूसरा दिया ही नहीं। बाकी आज जो है पापा ने मेरे सुबह सुबह बाल बनाए हैं। पापा कहते हैं वो बाल नहीं बनाने आइंदा, ऐसे ही बाल बनाओ जैसे मैंने बनाए। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग रिकमेंड में बताने कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे। क्या बाल बनाए? बाल बेटा यही बनेंगे, नहीं मुसल्ली स्टाइल नहीं चलेगा। हर इंसान ना अपना चेहरा अच्छा रखने के लिए अच्छे कपड़े और अच्छा लिबास पहनता है। आप जो है ना कल पता लग रहा था वो बने हुए हैं, वो नहीं वो सफाई वाले। पापा जी आप जा रहे कहाँ? काम से जा रहे हो? नहीं मैं जहाज चलाने जा रहा हूँ। पापा जी पापा बॉल ले आना छोटी क्रिकेट वाली। यार देखो मेरी बात सुनो 150 रुपए की एक बॉल आती है जी, इन्होंने बड़ा मेरे साथ हाथ कर दिया। मैंने आपको कल क्या कहा था कि पापा अब नहीं होगा, अब सिर्फ यहाँ पे एक नेट लाऊंगा, यहाँ नेट लगाएंगे और यहाँ पे वो खेलेंगे, वो रैकेट बैडमिंटन कहते हैं, बैडमिंटन चल जो भी मिंटन है वो खेलेंगे बस। कोई बॉल नहीं आएगी? नहीं बॉल भी आएंगे, आप बॉल भी नहीं बेटा। नहीं अब काला जोड़ा पास पर मैच थे ये बहुत अच्छा हुआ, ये बंद हो गया ना, ये लोगों ने रास्ता बना लिया था। ठीक है ए टुडा, आ जा टुडो टुडो, वो खड़ा है टुडो। ओके ओके, और गोल नहीं निकला। ओ जा रहे हो गया पापा के साथ। पापा मेरे साथ, मैं हूँ इसलिए। चल ठीक है देख लेते हैं किसके साथ हिला। नहीं ऐसे नहीं पता लगेगा, अभी बाहर आ गए। तू ऐसे सीधा चला जा, मैं इधर ऐसे ऐसे चला जाता हूँ। किसके साथ आ गया? ठीक है तू सीधा जाएगा, ठीक है मैं इधर जाऊंगा, तूने इधर जाना तो तू इधर चला जा। नहीं मैं सीधा ही जाऊंगा, नहीं मैं उल्टा जाऊंगा आपसे। इधर जाएगा? हाँ ठीक है मैं उधर जाऊंगा, देखते हैं किसके पीछे आता है। ओए मेरे जाने से पहले इधर चला गया। टुडो तूने इधर जाना तो तू इधर चला जा। नहीं नहीं टुडो, आ जाओ ये डेट। अरे बाबा भी जा रहे हैं, वो हिल रहा ही नहीं है अपनी जगह से। टुडो इधर जाएगा? ओ नहीं यार बाबा जी, यार बाबा जी मेरे पता था यार एक है।
भाई क्या है यार। तेरे साथ नहीं आएगा ये, मैं जाऊंगा ये उधर जाएगा। नहीं बाबा कभी आ जाता है मेरे। नहीं मैं आऊंगा साथ तो फिर नहीं आएगा, फिर ये मेरे साथ जाएगा। हम चलते हैं घर, पुष्पा राज खुद ही आ जाता है घर, उसका कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। बस जाऊ मैं, बाय बाय। तूने मेरे को रात दिया, निकल तू। तो गाइस रात को जो है हमारे घर एक अंकल आए थे और वो पापा के दोस्त भी हैं, वो दूर से वो आए थे, तो हमारे लिए जो है वो देसी घी लेकर आए हैं। और ये देसी घी है जो लेकर आए हैं और बड़ा अच्छा देसी घी है। पापा जो है उनके साथ रात को थोड़ा घूमने भी गए थे। ये इतनी बड़ी बाल्टी है जिसमें पूरा देसी घी भरा हुआ है और इसकी जो है ना अब हम लोग चूरी बना कर खाएँगे। ये पूरी बाल्टी है जिसमें देसी घी है, खोलो जी, पूरा देसी घी है अंदर का। मुझे तो पर्सनली देसी घी बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो है मैं चूरी बनाकर खाता हूँ। चूरी आप लोगों को पता है मैं बहुत शौक से खाता हूँ। तो आज अभी जो है हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाने में आज जो था गोश्त बना हुआ था तो वो हमने खाया है। शेर अंकल आए ना, वो बॉल ढूंढे कौन लेंगे बात। शेर अंकल आए ना, चार पाँच बॉलें गई हैं इधर। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर रहा था, नमाज से पहले तकरीबन 2 घंटे मैंने पढ़ाई की है, मैथ्स का एक्सरसाइज वगैरह कम्प्लीट की है। क्यों नहीं वो, ये वो गारा हमारा इधर था क्यों। तकरीबन आधा घंटा जो है हमने उधर बॉल ढूंढी है लेकिन हमें बॉल मिली नहीं। हर जगह हमने देखा, आगे भी जाके देखा लेकिन बॉल नहीं मिली। तो गाइस अभी जो है हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग जो है ना नई बॉल लेकर आते हैं, टेप भी लेकर आते हैं। अब चलते हैं और जाकर नए बॉल लेकर आते हैं। तो हम लोग जो है पहुँच चुके हैं मार्ट पर। अब इधर से जो है ना 2 बॉल लेनी है और 1 टेप लेनी है। आप चलते हैं और बॉल लेकर आते हैं। दो कर दो ना, पता लगे। देखें बॉल, देखें कौन सी है सही है। ठीक ये अच्छी है, ये रखें, ये 2 बॉल ली हैं वाइट। ठीक एक है वाइट टेप ले लेते हैं। बॉल हमने ले ली, अब बिल करा के मिलते हैं। किधर हैं, 3 ली है ना। पहले हम ले रहे थे 150 वाली 2 बॉलें, अब 100 वाली ले ली है हमने बॉल। पहले हमें नजर ही नहीं आई 100 वाली, हम वापस गए, उन्होंने कहा 100 वाली भी पड़ी है, तो हमने 100 वाली जो है ना 3 ले ली है और साथ एक टेप भी ले ली। ले आए अभी हम लोग टेप लगा रहे हैं। चलो यार तुम इसे सीधा कर दो, अंडा तोड़ दो। अभी देखना पिछली गली में जाके तुम्हें कितने। नहीं पिछली गली में नहीं, उधर खेलेंगे, कोई मजा ही नहीं आता। किधर जाके खेलें, नहीं सही रहेगा। छक्के मारने का दिल करता है, छक्के नहीं लगते। क्या छोटी है ग्राउंड है नहीं, कहते हैं इसमें नहीं, इधर कहां खेल रहा है ना। सारी बॉलों पर जो है टेप चढ़ गई है। एक ये वाली बॉल है, 3 बॉलें हैं तो 2 जो है हम लोग ये अंदर फेंक देते हैं और 1 जो है इसे खेलते हैं। तो हम लोग जो है पिच पर पहुंच चुके हैं, इस गली में जो है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। इधर विकेट लगाएंगे, इधर से बॉलिंग होगी और उधर छक्का चौका रखते हैं। ओ उधर से पापा आ रहे हैं यार, पापा बॉल घुमाएंगे, देखना छक्के मारेंगे, देखना आगे हैं तो टीमिंग बना के खेलते हैं। हाँ चलो पहले बड़े पुगेंगे बच्चे साइड पर, चारों एक ही दफा पुगेंगे ना, जब होगा फिर। मैं गया पहली मेरी, दूसरी पापा की, तीसरी में चेयर अंकल की, चौथी आदर से का मैच होगा, पापा भी आ गए। भाई की गेम बहुत अच्छी है, न्यू स्पीशीज आई है मार्केट में। ये क्या करूं भाई, एक और हो जाए हो जाए कोई। यार बच्चा है समझा कर।
गजब बेइज्जती है। इसको मैं छक्के उड़ाऊं ना ऐसे, ये याद करे तो उड़ाओ ना पापा, आने देना पारी पूछे। ये जी हां, मिंशेर अंकल को एक होना चाहिए। मिंशेर अंकल पहले बड़ी बातें सुना रहे हैं, मेरे तीन बॉल बातें वो सुना रहे थे। मिंशेर अंकल खा देना चाहिए। मिंशेर अंकल पीछे से बॉल कराए, बेईमानी ना करे। नहीं नहीं पीछे है जी, छक्का राड चखाना हट चक्का ते सारे होए नहीं क्या चुके। ये बेबी मेरे साथ है ठीक है, छक्के दे करमई भाई साहब आप ठीक है जी। वाइट वाला आया जी, वाइट कराता है ये बच्चा। ओहो हर भाई तो इसलो बोले हर भाई घर पहुंच चुके हैं और आज जो है क्रिकेट खेला है, मजा आया है। बाकी पापा जो है जा चुके हैं अपने काम से, हमें जो है आज बहुत मजा आया है। मैंने आप लोगों को पता कितने छक्के मारे हैं। मिंशेर अंकल एंड में जो है ना थोड़ा रन चौके की बात नहीं होती, और एंड में जो है मिंशेर अंकल थोड़े गुस्से में आगे फास्ट बॉलिंग कराने लग गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता, मजा आया खेल के। तो थोड़ी देर तक जो है ना उठ के पढ़ाई भी करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अभी जो है हम लोग बड़ी इमरजेंसी में, पापा ने हमें लोकेशन सेंड की है कि एक जगह आओ, इधर जो है ना नेज़ाबाजी चल रही है, तो उधर जाके जो है ना नेज़ाबाजी देखते हैं। मुझे नेज़ाबाजी देखने का बहुत शौक है पर्सनली, तो उधर चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ और रास्ते में हम लोग मैं और हैदर जा रहे हैं, तो अभी बस रास्ते में थोड़ा सा आगे जाना है, उधर जो है ना पापा भी हैं, तो चलते हैं जल्दी से और आप लोगों से उधर ही मिलते हैं। पापा जी, पापा आपने इतनी कॉले की है ना बीच में, ये गिरा कर। यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनी के स्टॉल्स लगे हैं, वो ब्लू वर्क का, NBN फंड्स का, अलग अलग। सवार टीम कैप्टन जनाब चौधरी दिलबाग सिंह को टकरा, इंटरनेशनल राइडर घोड़ा लाडला चौधरी दिलबाग सिंह को टकरा घोड़ा लाडला चार नंबर जी वेलकम जहांगीर सैफुल्ला खान, डी आई खान न्यू सिटी, वेलकम इंतजाम आई हाजी मोहम्मद लतीफ नकी, लाला सफर इकबाल, चक जमाल मौजूद, हाजी मुश्ताक अहमद सुखा चार नंबर, नया सैफुल्ला खरल कौन से, वेलकम वेलकम अच्छे घोड़े अच्छी नहीं। चार नंबर सवार नंबर दो, मैंने मोहम्मद नासिर अब्बास कर गोली की तरह निकलते हैं ना पारे भी थे यार। पापा हम नहीं रख सकते उधर, हम नहीं यार क्यों सामान खरीद प्रणाली किनारे पे है के घोड़ा के जाते कुछ ना दे गवर्नमेंट का तो सवाई छबरा तसील में सवाई।
क्या बात है, सवाल का होता है इधर जो है बहुत ज्यादा रश है और बहुत सारे लोग भी हैं, घोड़े भी बहुत ज्यादा आ रही है, आवाज कम आ रही है, माइक लगा हुआ है और टैग लगा हुआ है। पापा के दोस्त का घोड़ा भी जो है ना इधर आया है, लेकिन गलती से ना वो नाले में गिर गया है। उन्होंने बताया कि वो भी रिकवर कर चुका है, फिर बात जो है वो भी है। ये पापा के दोस्त के घोड़े आएंगे आप। तो अभी जो है हम लोग वापस आ रहे हैं, तकरीबन दो घंटे हम लोग इधर ही रहे थे और अंधेरा भी हो चुका है, मज़ा भी आया है। इतने ज़्यादा घोड़े थे और इतनी इतनी स्पीड से भागते हैं ना, और बहुत प्यारे प्यारे घोड़े थे, बीच में कुछ नाच भी रहे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। अब चलते हैं घर वापस। बारिश भी होने लगी है बस पापा के साथ, बारिश हुई तो ये नहीं होगा ना नहीं पापा, हम भी इधर लेंगे घोड़ा वाइट कलर का, ठीक है। अब बाय बाय, चलो मोड़ चले, हम भी अब गाड़ी मोड़ते हैं। आराम से वे। अब इतनी भी रेस ना लगाए, हमारी पुरानी गाड़ी है, उनकी नहीं है, वो जीत सकते हैं। तो घर जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर। पापा ने जो है ना यू टर्न पर ड्रिफ्ट भी मारी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैंने पापा को देखा था ड्रिफ्ट मारते हुए। पापा जो है बड़ी रेस लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी अभी एक छोटी है तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। हमारा फ्लावर भाग रहा है। पापा मैंने आपको देखा है, पापा यू टर्न पर ड्रिफ्ट मार रहे थे। ए, रहा नहीं जाता। हाँ पापा स्क्रीच मार रहे थे यू टर्न पे। नहीं भाई, उसका वो रोड ऐसा था। नहीं नहीं मैं, वो मैंने आपको देखा, फ्लावर कट्टे के पीछे भाग गया वो फ्लावर, उसको नजर ही नहीं आया क्या। ओ यार पापा ऊपर आ रहा है वो फ्लावर, उसको पकड़ो, गाय मारेगी ये, जाता है गाय के पीछे पापा। अंधेरा हो गया, ये किधर ब्रीद कर रहा है, देखो फ्लावर डरती है।
ओए टूडो टूडो यार ये क्या है रोड पे ना चले रहा है बस रोड पे नहीं टूडो ओ टूडो ऊपर से गाड़ी आ रही टूडो चल अंगले पकड़ने इसको दे है इधर को हाथ भी लगाया मैंने इसकी माँ ये है ये ले आंटी क्या करेगी ये देख हाथ लगा लिया अब चलते हैं घर वापस और मज़ा आया आज वैसे घोड़े छोड़े देख कर जैसा आ गई है पापा यार देखो आप मेरी पुरानी गाड़ी के साथ नई मॉडल की रेस लगाते हैं लेकिन पापा देखा मेरी गाड़ी भी फिर पीछे नहीं रही बम्बर टू बम्बर अब पापा स्किड में प्रीमियम ज्यादा अच्छी पापा बम्बर टू बम्बर उन्हें भी पीछे से किया नहीं पूछ लो मुंशी अंकल से मुंशी अंकल की ना पापा मजा आया ना वैसे आज तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गुड बाय